रिज़ाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो लीडरशिप मुश्किल हालात में खड़ी रही, डटी रही, थकी नहीं, झुकी नहीं, आज इस नाजुक मौके पे उन लोगों को जो है साइडलाइन करके, वो लोग जो पार्टी से जो है पार्टी का दामन छोड़ चुके थे, जिन्होंने लोगों के मंडेट का सौदा किया था और लोगों के जो हकूक़ है, जब उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, लोगों के साथ जबर जुल्म जो है उरूज पे था, तब वो पार्टी छोड़कर चले गए थे और बातिल के साथ वो मिल गए थे, और आज उनको वापस लेकर पार्टी ने उनको मंडेट से नवाज़ा, एजाज़ से नवाज़ा। हम ये समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी न सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वर्कर साहिबान थे, बल्कि उसके साथ साथ ये लोगों के साथ भी ज़्यादती है, क्योंकि ये पार्टी का हक नहीं था। उन्होंने लोगों का जो मंडेट है उसके साथ जो है सौदा किया था, उसका सौदा किया था, लोगों के साथ उन्होंने जुल्म और ज़्यादती जो हो रही थी उसका साथ जो उनका जो साथ जो है बातिल के साथ उस टाइम रहा। हम ये समझते हैं कि आज पार्टी का कोई हक नहीं था कि उनको जो है फिर जाके एक बार जो लोग आजमाए हुए थे उनको फिर आजमाना। ये बेसिक रीज़न रहा, और हमारी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोग एक हो जाए, ज़ाति मुफादात को छोड़कर, लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़कर। हमारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और ये तब तक मुमकिन नहीं है कि हमारे जो मुश्किलात है उनका अजाला तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम सब एक नहीं हो जाएंगे। जो लोग मसले कश्मीर की बात करेंगे, हल करने की बात करेंगे, टॉक्स की बात करेंगे, एंगेजमेंट्स की बात करेंगे, रेजोल्यूशंस की बात करेंगे, जो बच्चे हमारे बंद है उनको जो है रिहाई की बात करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, वो कोई भी हो, ऐसा नहीं है। और हमें गिला और शिकायत इस चीज़ से है कि वो लोग जिन्होंने लोगों के मंडेट का सौदा किया था, उनको वापस लाने का जो एक सिलसिला चला और फिर उनको मंडेट से नवाजा गया, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने जो रिज़ाइन किया है।